मेरा नाम लवप्रीत सिंह जी, पिंड भद्दलथूआ निवासी। तो अज धरना लगाया गया भद्दलथूआ विखे चुंगी सामने। इतने शराब का ठेका खुलिया गया नवा, तो इनू बंद कराने असी जो धरना लगाया। ये धरने प्रति असी बहुत ज़्यादा असी जिहड़ियां अपनियां डी एस पी साहब नू, डी सी साहब नू, तहसीलदार साहब नू, अपने एस डी एम साहब नू तक जिहड़ी मंग पत्र दे चुके हैं, तो इहदा कोई हल नहीं होया, जिहदे करके सानू जिहड़ा धरना लाउणा पिया। तो हुण इह साडे कोल प्रशासन आया सी, तो डी एस पी साहब आ के गए ने, तो उन्होंने सानू विश्वास दवाया कि जिहड़ा धरना है वो अज असी जिहड़ा समान दा जिहड़ा ठेका जिहड़ा समान आ सारा अज 11 बजे तक चक्या जा चका देंगे सारा समान शाम 4 बजे तक। तो उस तों बाद फिर देखते हैं जो की बनता, जो चकते ठीक आ, नहीं फिर कल ये संघर्ष असी तिखा विढ़ांगे। साडे नाल सारिया जिहड़ियां पार्टियां सीगियां जथेबंदियां सारिया अज पहुंचियां सीगियां, सारिया धन्नवाद करते हैं। तो सानू अज विश्वास दवाया गया कि ठेका चक्या जाऊगा, तो जे ठेका नहीं चक्या गया तो असी तिखा संघर्ष विढ़ांगे। तो हुण ये ठेका असी तां बंद करा रहे क्योंकि ठेके जिहड़ा साडा महल्ला है पिंड भद्दलथूआ निवासी असी, इहदे सामने बिल्कुल तो गुरद्वारा साहब स्थित आ, तो 100 मीटर दूरी पर पैंदा है, तो करके असं बंद करा रहे हैं। तो साढ़े जोड़े गुरद्वारा साहब के जोड़े आने जाने संगत आ उन्होंने ज़्यादा परेशानी होंगी आते, इतने आंडे मीड़े के कन्न लगनगियाँ, करके असं जोड़े बंद करा जा रहे हैं ठेका। असं तो यही चाह रहे प्रशासन को, असं यही चीज़ चाहते हैं भी यह जो ठेका है हर हालत के इतों चक के किसी होर पास जिथे मर्जी कर, सानू तकलीफ, पब्लिक नू बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जिहड़ी पब्लिक साडी इस मार्केट दे विचों ठेके दे बूढ़े दी लंघदी है उहनू इन्नी परेशानी आउंदी है। ठेके तों लोक दारू पीते ने, दारू पी के सड़क ते खड़ के पेशाब करदे ने। कल नू इत्थे मीट आंडियां दीआं दुकानां लगनगियां, इत्थे गंद होऊगा, गंद। असीं इह चाहुंदे आ वी सानू इह इंसाफ मिलना चाहीदा है, जदके पिंड भद्दल पिंडां दे विच जो सरकार ने एक्ट बनाया है उह एक्ट दे हिसाब नाल इह 100 मीटर दी दूरी ते होना चाहीदा है। जबकि साडा पिंड ठेके तो 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। तो सानू असी बेनती करते हैं प्रशासन को, डी एस पी साहब ने भरोसा दिता है भी मैं अज शाम तक या फिर कल मैं इतों समान चुका के इनू किसी होर पासे शिफ्ट करांगे, चाहे ये बंद कर चाहे किसी होर पासे शिफ्ट कर। सानू इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, जेकर ये डी एस पी साहब के हुक्म अनुसार ये ठेका इतों नहीं चुकया जाता जां इतों नहीं बंद किया जाता तो असी डी एस पी साहब का घराओ करांगे और इदों वध तिखा संघर्ष करांगे। नंबर 6 च इकट्ठे होए हैं जिथे कि महला वासियों वालों ये पाया गया कि यह जो ठेका है ये काफ़ी टाइम तो कदे खोल लेंदे ने कदे बंद कर लेंदे ने, महला वासी चाहते नहीं भी उरे ठेका खुले। उरे आप सामने दिखा देंगे निशान साहब लगे हुए ने, उत्थे ठेका गुरद्वारा साहब बने हुए ने और ये जड़ा उरे एज पर नॉम अगर देखा जाए जी पंजाब की एक्साइज पॉलिसी है 2022-23 की वह अमेंड होने तो बाद 100% रूलर की 50% अर्बन की तो यह रहगी सी जी डिस्टेंस इन्होंने अपने हिसाब न अमेंड कर ली। केंद्र सरकार की जी गाइडलाइन सी 2017 की 1 जून की बनी हुई सी वो 500 मीटर की सी, इन्हों ने अपने हिसाब न अगे आगे 50 मीटर का कर लिया जो कि बहुत ही गलत डिसीजन है। वार्ड वासियों की वार्ड नंबर 6 की यही बार बार अपील है कि यह जो ठेका और इन हटाया जाए, जिहदी अलॉटमेंट हुई है इन परमिशन हुई है किसी होर पासे शिफ्ट किया जाए। साडा किसी नाल कोई वैर विरोध नहीं है, इन उरे वार्ड च नहीं लगन देना चाहिए क्योंकि सामने गुरु घर है, अगे चले जाने अगे शहीदी स्मारक बनया होया साडे, ठीक है, अगे सर्वितकारी स्कूल है, नाल एक बहुत ही चलन वाली जगह है।